अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो सबसे पहले हम अपना लास्ट लेक्चर कवर करेंगे। आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ये स्टडी किया था कि व्हाट इज न्यूट्रोजेनोमिक्स और ओमिक टेक्निक्स क्या हैं। यस मैम, आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हाउ डज जीन, डाइट एंड डिजीज इंटरैक्ट। हम लोगों को ये पता है कि डाइट जो है वो जीन के ऊपर इफेक्ट क्रिएट करती है, जिसकी वजह से बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आते हैं। तो स्पेसिफिकली हम आज मोनोजेनिक डिजीजेस को कवर करेंगे कि मोनोजेनिक डिजीजेस कैसे हैं और डाइट में उसका क्या रोल है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर मोनोजेनिक डिजीजेस? मोनोजेनिक डिजीजेस दे आर बेसिकली कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन। अगर एक जीन के अंदर कोई म्यूटेशन होती है, उसकी वजह से मोनोजेनिक डिजीज होते हैं। अगेन, मोनोजेनिक डिजीज जो है ना, वो इनबॉर्न डिजीजेस है। 97% ऑफ द जीन्स हैव नोन टू बी एसोसिएटेड विद ह्यूमन डिजीजेस व्हिच रिजल्ट इन मोनोजेनिक डिजीजेस। तो जो भी मोनोजेनिक डिजीजेस हैं, इसमें 97% ऑफ द जीन्स जो है वो एसोसिएट, मतलब मोनोजेनिक डिजीज जो है ना, वो जीन एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, इफ वी मॉडिफाई द डाइटरी पैटर्न्स वी कैन प्रिवेंट द मोनोजेनिक डिजीजेस। अब इसकी एक एग्जांपल है फिनाइल कीटोन्यूरिया की। फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है एक मोनोजेनिक डिजीज है, और अगेन ये एक इनबॉर्न एरर है। आप कह सकते हैं कि ये इनबॉर्न एरर होता है आपके जीन्स में म्यूटेशन की वजह से। एंड इट इज द एरर ऑफ द मेटाबॉलिज्म व्हिच रिजल्ट्स इन द डिक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स व्हिच इज फिनाइल एलानाइन। आपकी बॉडी जो है वो फिनाइल एलानाइन को प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन इन द जीन्स व्हिच इफ और अगर हम अपनी डाइट के अंदर फिनाइल एलानाइन या डाइटरी सोर्सेज ऑफ फिनाइल एलानाइन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो हम फिनाइल कीटोन्यूरिया जो कि मोनोजेनिक डिजीज है, इसको मैनेज कर सकते हैं या फिर हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ द फिनाइल एलानाइन फूड सोर्सेज इंक्लूड्स हाई प्रोटीन फूड सच एज द फिश, एग्स, मिल्क, चीज, ड्राइड बीन्स। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सोर्सेज ऑफ फिनाइल एलानाइन। ठीक है, देन अनदर एग्जाम्पल इज द गैलेक्टोसीमिया। गैलेक्टोसीमिया भी एक मोनोजेनिक डिजीज है, और इसमें जो है गैलेक्टोसीमिया एक इट अकर्स बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ लिवर एंजाइम टू डाइजेस्ट द गैलेक्टोज। ठीक है, गैलेक्टोज क्या है? व्हाट इज गैलेक्टोज? मैम, शुगर जब कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं बॉडी में तो वेरी गुड। ठीक है, सिंपल शुगर की एक एग्जाम्पल है गैलेक्टोज। ठीक, और फूड सोर्सेज ऑफ गैलेक्टोज इंक्लूड्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। सो अगर हमने गैलेक्टोसीमिया को मैनेज करना है, तो उसके लिए हम डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करेंगे, और अगेन इसमें हम लैक्टोज को भी अवॉइड करेंगे और गैलेक्टोज सोर्सेज को भी करेंगे। तो लैक्टोज की सोर्सेज जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, और गैलेक्टोज की सोर्सेज में हमारे पास जो है वो कुछ डिफरेंट वेजिटेबल्स भी आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवोकेडोज है, स्वीट शुगर बीट्स है, हनी, सेलरी, कीवी, आलमंड्स, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं गैलेक्टोज की। तो आप लोगों को ये अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि डाइटरी रिकमेंडेशंस फॉर गैलेक्टोसीमिया क्या होंगी, और आप अपनी रिकमेंडेशंस को जस्टिफाई करें, तो उसका आंसर यही होगा कि हम वो फूड सोर्सेज जिसमें लैक्टोज और गैलेक्टोज है उनको अवॉइड करेंगे। और आपकी जस्टिफिकेशन ये होगी कि अगर हम अपनी फूड सोर्सेज को रिस्ट, क्योंकि गैलेक्टोसीमिया के अंदर आपकी बॉडी जो है वो गैलेक्टोज को मेटाबोलाइज नहीं कर सकती, इसलिए हम वो सारी फूड सोर्सेज जिसके अंदर गैलेक्टोज प्रेजेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। देन वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाबॉलिक डिजीजेज। मेटाबॉलिक डिजीज आर ऑल्सो द इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, एंड इट अकर्स वेन देर इज अ डिफेक्टिव जीन विच कॉज एन एंजाइम डेफिशंसी एंड लिवर एंड पेनक्रियाज वेन दे आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो मेटाबॉलिक डिजीजेस के दो मेजर कॉजेज हैं। एक तो आपके जीन्स जो हैं वो डिफेक्टिव हैं किसी भी म्यूटेशन की वजह से, या फिर आपके लिवर और पेंक्रियाज जो हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे और वो प्रॉपर एंजाइम्स नहीं बना रहे हैं।
ठीक है, ये आप लोगों के एक रिव्यू के लिए जो है मेटाबॉलिक पाथवे का चार्ट है. आप लोगों ने ऑलरेडी अपने बायोकेमिस्ट्री में और इसको कवर किया होगा मेटाबॉलिक पाथवेज को, तो ये एक आपकी रिवीजन के लिए है. सो ये हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर हो गया. अब हम मूव ऑन करते हैं अपने सेकेंड लेक्चर की तरफ. चलिए जी, अगर आज का जो सेकेंड लेक्चर है, इट इज अबाउट दी डाइट एंड जीन एक्सप्रेशन. हम अब डिटेल में देखेंगे कि डाइट जो है वो जीन एक्सप्रेशन को कैसे रेगुलेट कर रही है, मतलब कि अब हम सारे मैकेनिज्म्स जो है वो कवर करेंगे. एंड कंटेंट्स ऑफ द लेक्चर इंक्लूड्स हाउ डाइट अफेक्ट्स द जीन एक्सप्रेशन, और इसमें स्पेसिफिकली हम कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिंस एंड मिनरल्स, ऑल मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम इनको कवर करेंगे. हम सिर्फ अभी जो है वो आउटलाइन कवर करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग का लेक्चर है. इंशाल्लाह आगे जाके आप वन बाय वन डिटेल में भी कवर करेंगे. तो जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरी, कंपोनेंट्स ऑफ डाइट जो हैं वो हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और उसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड मिनरल्स आ जाते हैं. अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ डाइट ऑन जीन एक्सप्रेशन की. न्यूट्रिएंट्स दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग दी जीन एक्सप्रेशन. अब आप लोगों को ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, और विद साइंटिफिक एविडेंस हम ये बात प्रूव कर चुके हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं. The response to a nutrient status is specific for each genotype. अब इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि न्यूट्रिएंट स्टेटस का रिस्पांस जो है वो डिपेंडेंट है जीनोटाइप के ऊपर. अब जीनोटाइप क्या होता है? व्हाट इज जीनोटाइप? मैम, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. वेरी गुड. ठीक है, ये कॉमन टर्म्स हैं जो आप जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप. जीनोटाइप जो है वो बेसिकली जीन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जेनेटिक मटेरियल को रेफर करता है किसी भी इंडिविजुअल को, और फिनोटाइप जो है वो उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिजिकल ट्रेट्स होते हैं. ठीक है, तो अब इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी इंडिविजुअल की जेनेटिक वेरिएशन होगी या जेनेटिक मेकअप होगा, न्यूट्रिएंट स्टेटस जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है. न्यूट्रिएंट उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्स देगा. एक्सेस अवेलेबिलिटी और डिफिशियंसी ऑफ अ सर्टेन न्यूट्रिएंट ऑल्टर्स द जीन एक्सप्रेशन इंड्यूसिंग द डिजीज और डिफिशियंसी. जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम डाइट, जीन और हेल्थ का और डिजीज का जो है इंटरेक्शन स्टडी करेंगे, तो वो इंटरेक्शन जो है इस लाइन में एक्सप्लेन होता है कि अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की कोई एक्सेस हो या डिफिशिएंसी हो, उसकी वजह से वो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेंगे. अगर जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट होगा, इट विल इंड्यूस डिजीज और डिफिशिएंसी. सो लेट्स स्टार्ट विद कार्बोहाइड्रेट. अब कार्बोहाइड्रेट कैसे रेगुलेट करे जीन एक्सप्रेशन को? सो कार्बोहाइड्रेट प्लेज मेजर रोल इन ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन ऑफ जीन्स. नाउ व्हाट Do you understand by transcriptional regulation of the genes? आप लोगों ने transcriptomics में हमने ये study किया था कि जो transcriptomes होते हैं, set of messenger RNAs होते हैं, वो effect होते हैं. तो carbohydrate का effect अगर हम study करें gene expression के ऊपर, तो उसके अंदर different transcriptional changes आते हैं. Which means transcriptional changes means by which a cell regulates the conversion of DNA to RNA. जब DNA से RNA में, ये आगे आपको slide में explain हो जाएगा. जो transcription में हमने ये discuss किया था कि जो DNA की information होती है वो RNA में transcribe होती है, messenger RNA में transcription करता है, और फिर वो आगे जाके proteins में translate होता है. तो ये जो first step है transcription का, जहाँ पे DNA से information RNA में जा रही है, इस level के ऊपर carbohydrate जो है वो gene expression को regulate करता है. अब वो changes क्या आते हैं? In liver, glucose induces the expression of genes which are involved in a glucose transportation, and it then produces the enzymes with, including glycolytic and lipogenic enzymes. और उनके enzymes के names क्या हैं? Pyruvate kinase involved होता है, acetyl coenzyme A, carboxylase and fatty acid synthase. अच्छा जी बच्चों, अपने notes आप लोग साथ साथ बनाते रहें.
ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन साथ साथ दूंगी, लेकिन ये जो एंजाइम्स हैं ये आप लोग एक समझ लें. कार्बोहाइड्रेट जब आप कंज्यूम करेंगे, ठीक है, तो लिवर के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज वो इंड्यूस करेगा एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स को, मतलब वो जीन्स जो के इन्वॉल्व हैं इन दी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन वो एक्सप्रेस होंगे आपकी बॉडी में, वो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल के ऊपर चेंजेस आएंगे और उसकी वजह से वो जीन्स जो के ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व हैं वो एक्सप्रेस होंगे. अब जब वो एक्सप्रेस होंगे तो वो एंजाइम्स बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों ने स्टडी किया है जीन एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स. अब वो एंजाइम्स कौन कौन से हैं, वो ये तीन एंजाइम्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं ग्लाइकोलिटिक ग्लाइकोलिसिस एंड लिपोजेनेसिस में, ठीक है. इट इंक्लूड्स द पाइरूवेट काइनेज, एसिटाइल कोएंजाइम, ए कार्बोक्सिलेज एंड फैटी एसिड सिंथेस. ये तीन एंजाइम्स जो हैं वो एक्सप्रेस होंगे. वाइल ऑन द अदर हैंड जो ग्लूकोज है इट विल रिप्रेस द ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे, और इसके अंदर जो ये एंजाइम को रिप्रेस कर रहा है उसका नाम है फॉस्फिनोलाइल पाइरूवेट कार्बोक्सी काइनेज जी. फॉस्फिनोलाइल पाइरूवेट कार्बोक्सी काइनेज जीन, ठीक है. तो जब भी कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में जाएगा वो लिवर के अंदर जो है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जीन्स को जो है एक्सप्रेस करेगा, वाइल फॉस्फिनाइल पाइरूवेट काइनेज कार्बोक्सी काइनेज जीन को रिप्रेस करेगा जो कि ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे में इन्वॉल्व है. आप लोग ये नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे से स्टार्ट करते हैं. चलें जी, देन इसके बाद और क्या क्या चेंजेस आएंगे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के कंजम्पशन से. जब ग्लूकोज अलोंग विद द इंसुलिन इट एक्टिवेट्स द जीन्स व्हिच रिप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स इन्वॉल्व इन ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे एंड एक्सप्रेशन ऑफ द मेटाबॉलिक सिंड्रोम. इसके अलावा बॉडी में ये चेंजेस आएंगे कि ग्लूकोज जो है अलोंग विद इंसुलिन ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे के जीन्स को रिप्रेस करेगा और इसके अलावा एक्सप्रेस करेगा मेटाबॉलिक सिंड्रोम को. अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है, इट इज द क्लस्टर ऑफ कंडीशंस दैट अकर टुगेदर इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज स्ट्रोक एंड डायबिटीज, ठीक है. ये एक्सप्लेनेशन है फर्दर के व्हाट इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम. मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जो है वो मल्टीपल कंडीशंस मल्टीपल रिस्क ऑफ कंडीशन इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि हार्ट डिजीज हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है. सो दिस मीन्स दैट ग्लूकोज आल्सो प्ले अ की रोल इन ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन. ऑलराइट, सो द आंसर इज यस, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल के ऊपर चेंजेस लेके आएगा और कुछ जीन्स जो है वो एक्सप्रेस होंगे, कुछ जीन्स जो है वो रिप्रेस होंगे. हाइपरग्लाइसीमिया एक्टिवेटेड एजीटी जीन एक्सप्रेशन. अब जब अगर बॉडी के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है, व्हाट इज हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज लेवल परसिस्टेंट हाई लेवल्स ऑफ शुगर, हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज, हाई लेवल ऑफ शुगर. वेरी गुड. जब हमारी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल ज्यादा हो जाएगा या एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट इनटेक होगा, वो एक जीन को एक्सप्रेस करेगा जिसका नाम है एजीटी लिवर के अंदर, ठीक है. अब ये एजीटी जीन क्या है, इट प्रोवाइड्स द इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग अ प्रोटीन कॉल्ड एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है. एजीटी जो है वो एक जीन है जो कि एक प्रोटीन बना रहा है विच इज एंजियोटेंसिनोजेन. अब एंजियोटेंसिनोजेन क्या करता है, इट रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर एंड बैलेंस ऑफ फ्लूइड्स एंड सॉल्ट्स इन योर बॉडी. ठीक है, आप ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो साथ साथ नोट करते रहे.
अब बात करते हैं न्यूट्रोजेनोमिक्स एंड ओबेसिटी की. हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लीड्स टू एन इंक्रीज जीन एक्सप्रेशन कॉजिंग द ओबेसिटी. अच्छा, हम नॉर्मली जो है ओबेसिटी को लिंक करते हैं हाई फैट डाइट के साथ या हाई फैट कंजम्पशन के साथ, लेकिन जीन एक्सप्रेशन के ऊपर अगर आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट कंज्यूम करेंगे तो उसकी वजह से ओबेसिटी हो सकती है. और इसमें स्पेसिफिकली जो आपकी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सिंपल शुगर्स होते हैं, उस वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं ओबेसिटी के साथ. अब सिंपल शुगर्स की कोई एग्जांपल? मैम, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज मैम, फ्रुक्टोज, लैक्टोज. वेरी गुड, ठीक है. जो अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स को ना हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक हमारे पास होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, एक होते हैं कम्प्लेक्स. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, वो बहुत क्विकली जो है कन्वर्ट. ठीक है, इसकी अगर सिंपल शुगर्स की एग्जांपल्स की मैं बात करूं, इसमें हमारे पास मैम आप अगेन बता देंगी सिंपल शुगर्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या? हाँ, सिंपल शुगर्स वो होती हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो ज्यादा होता है, मतलब वो बहुत क्विकली जो है वो ब्रेक डाउन होती हैं इनटू दी सिंपल शुगर्स. ये हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, ठीक है. और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो थोड़ा सा जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो ज्यादा कम होता है और वो टाइम लेते हैं ब्रेक डाउन होने में. अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो सिंपल शुगर में जैसे आपकी बेकरी आइटम्स आ जाती हैं, ठीक है, जैसे सुक्रोज. और ठीक है, और कम्प्लेक्स में हमारे पास होल व्हीट फ्लावर की या ओट्स की एग्जांपल आ जाती है जो कि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. मैम, फिर जिनका हाइपरग्लाइसीमिया होगा जिन पेशेंट्स को या जिनका ये डायबिटीज का इशू होगा तो उन्हें फिर हम कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स देंगे ना? बिल्कुल ठीक है. जो क्यों हम लोग उनको एक मिनट पूछे हाँ जी, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं हम उन लोगों को कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, हम उन्हें कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज भी उनकी कम करते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि आप प्रेफर करें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट उनका ग्लाइसेमिक लोड जो है वो कम होता है एज कम्पेयर टू द सिंपल शुगर्स, ठीक है. तो अगर एक्सेसिवली सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम किए जाएं और उसके एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाते हैं जैसे वाइट फ्लावर है, मैदा है, ठीक है, ये जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल है क्योंकि ये बहुत क्विकली जो है सिंपल शुगर्स में ब्रेक डाउन हो जाता है एज कम्पेयर टू द होल व्हीट फ्लावर. तो हम उनको रिकमेंड करेंगे अगर एक्सेसिव इनटेक हो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का तो अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च इट विल लीड टू दी ओबेसिटी और जीन लेवल के ऊपर ऐसे चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से ओबेसिटी हो सकती है. रिस्क फैक्टर्स के बात करें तो रिस्क फैक्टर्स ऑफ ओबेसिटी आप लोग मुझे बताएगा डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स ऑफ ओबेसिटी. अच्छा जी, रिस्क फैक्टर्स बेसिकली कॉजेटिव एजेंट्स हैं
वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ओबेसिटी हो सकती है. ठीक है, तो सबसे ज्यादा कॉमन हाई रिस्क फैक्टर कार्ब जो है वो है डाइट. डाइट है. ठीक है, डाइट में हमारे पास अनहेल्दी फूड चॉइसेस आ सकते हैं. हाई कार्ब डाइट के अलावा हाई फैट डाइट, हाई सैचुरेटेड फैट डाइट, ये सारी रिस्क हैं, रिस्क फैक्टर हैं ओबेसिटी के. इसके अलावा बैड हैबिट्स आ जाती हैं, बैड ईटिंग हैबिट्स. आप लोग देख सकते हैं अगर एक्सेसिव कंजम्पशन हो स्वीट्स की, या सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो, जंक फूड का कंजम्पशन ज़्यादा हो, ये सारे कंट्रीब्यूट करेंगे ओबेसिटी को. अब हम बात करते हैं एविडेंस फॉर द जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस ऑन ओबेसिटी की, कि जीन्स में वो कौन से चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से ओबेसिटी होती है. बच्चों आप लोग मुझे 5 मिनट दें, मैं कंप्यूटर से लॉग इन कर लूँ, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं. श्योर मैम.